नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। आप सभी का स्वागत है आज का सबसे खास ज्योतिष कार्यक्रम में। तो दोस्तों, आपके नाम की चिट्ठी अब निकल गई है। दोस्तों, यदि गलत हुई तो 1,21,000 रुपये आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों, आपकी लॉटरी की चिट्ठी निकल गई है, बंद कमरे में आप इसे अकेले देखना और साथ ही दोस्तों हो जाओ तैयार, क्योंकि दोस्तों आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आप लोगों को बड़ी लॉटरी लगने वाली है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये भविष्यवाणी सच नहीं हुई तो दोस्तों आज आप लोगों को बड़ा इनाम मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको आपके जीवन में कई बार ऐसे कार्य होते हैं जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण नहीं होते हैं, यानी कि आप कार्य करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन आप सफल नहीं हो पाते हैं। दोस्तों, ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण आप सफल होते होते रुक जाते हो? तो दोस्तों, आपको संभलना होगा, तभी आप आगे बढ़ेंगे। और आखिरकार आप लोगों को कैसे बड़ी लॉटरी मिलने वाली है, आपको क्या करना होगा, और साथ ही में हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार ये कौन से कार्य हैं, ये कौन से 3 कार्य हैं जो आप लोगों को करने से बचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आखिरकार ये कौन सी बड़ी कारण होने वाला है? इसलिए आपसे निवेदन है, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, तभी दोस्तों आपके ग्रह गोचर और आपकी कुंडली में नए परिवर्तन होंगे। इसलिए आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें। आज का दोस्तों जो पंचांग है, वह सटीक गणना करने के बाद ही, कुंडली पर अच्छी तरह से विश्लेषण करने के बाद ही तथा सभी ज्योतिषों से सलाह लेने के बाद आप लोगों के लिए बनाई गई है, जो कि दोस्तों बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है। इसलिए आप इसे मजाक ना समझें और इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह समय आपको जो धन लाभ होने वाला है वह तो दोस्तों होकर ही रहेगा, लेकिन दोस्तों यह समय आपकी सभी इच्छाएं काफ़ी हद तक पूर्ण होने वाली हैं। यूँ कहें तो आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होने वाली हैं, क्योंकि दोस्तों अब आपकी कुंडली में महालक्ष्मी योग का निर्माण हुआ है, आपकी राशि में राजयोग का भी निर्माण हुआ है दोस्तों। तो ऐसे में आपको धन की प्राप्ति तो होगी ही होगी, क्योंकि अब आपके ग्रहों में जो बड़े परिवर्तन होने वाले हैं वह बेहद ही खास रहने वाले हैं। दोस्तों, अब आपकी बिगड़ी हुई जिंदगी सुधारने वाली है, और इसके साथ ही साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी आपके जीवन में अब 4 चांद लगाने वाला है। और दोस्तों, आपको बता दें कि यदि आप माता रानी के नाम को लेकर के कोई भी कार्य को शुरू करते हैं, कोई भी कार्य अगर आपने शुरू किया है या फिर दोस्तों आप कोई भी कार्य को करना शुरू करेंगे, उनमें आपको ये समय सफलता अवश्य से मिलेगी। दोस्तों, निश्चित तौर पर माँ लक्ष्मी के नाम को लेकर कोई भी कार्य को करेंगे तो दोस्तों आप बहुत ही ज़्यादा लाभ में रहेंगे, और इसके साथ ही साथ दोस्तों माता महालक्ष्मी के आशीर्वाद से भी आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही तेज़ी गति से प्रगति करते हुए आगे बढ़ेंगे, और हम इस बात की फुल गारंटी भी देते हैं। दोस्तों, सफलता के नए नए कीर्तिमान आप स्थापित करेंगे, आप और आप लोगों को हर एक क्षेत्र में कामयाबी मिलने वाली है, चाहे वह क्षेत्र शिक्षा का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो या फिर व्यापार का क्षेत्र हो, आपको नई नई खुशखबरियां मिलने के योग्य बन चुके हैं, क्योंकि महालक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो चुकी हैं। और दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि धनतेरस और दीपावली बहुत ही करीब है, और इस दौरान जिनके भी जीवन में माता महालक्ष्मी की कृपा हो जाती है तो दोस्तों उसके जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। और यह समय आपके कर्म को देखने के बाद ही, आपकी भक्ति को देखने के बाद ही माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो चुकी हैं। दोस्तों, आपको इस समय अत्यंत लाभदायक देने वाले हैं, आपके जीवन में आने वाले सभी प्रकार के दुखों का अंत होने वाला है। दोस्तों, इसके साथ ही मैं हम आप लोगों को यह भी बता दें कि इस सावधानी के तौर पर एक बार आप किसी के भी बात में आकर कोई भी जल्दबाजी ना ले दोस्तों, सोच समझ के ही आपको कोई भी कार्य करने की आवश्यकता है, क्योंकि दोस्तों बता दें कहीं पर भी अगर आप फैसला ले, अन्यथा आप किसी बड़े गड्ढे में फंस सकते हैं, ऐसा ग्रहण के संकेत है। इसीलिए आपको सावधान भी अवश्य से रहना है, तथा अगर आप अपने ऊपर गुरु जी का सीधा आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, माता महालक्ष्मी जी की कृपा को अपने ऊपर प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को 1 लाइक ज़रूर प्रदान कर दें, और उसके बाद ही नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर सच्चे मन से जय माता दी, जय महालक्ष्मी तथा थैंक यू गुरु जी भी अवश्य लिखेगा। दोस्तों, आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा माता महालक्ष्मी जी की भी विशेष कृपा आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों ज़रूर लिखिएगा,
और वहीं दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप सभी से निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि दोस्तों राशिफल से जुड़ी हुई सारी अपडेट हम आपको सबसे पहले देंगे, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए ही वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कुछ समय से आप अपने दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बदलाव का आपके जीवन में सकारात्मक प्रभाव भी पड़ने वाला है। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से काफ़ी राहत मिलेगी तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। और दोस्तों इसके साथ ही साथ आप लोगों के जीवन में भी नए परिवर्तनों के कारण आपको बड़ी सफलताएं मिल सकती हैं। यह आपका कार्य काफ़ी हद तक सफल रहेगा। व्यर्थ की मौज मस्तियों में दोस्तों थोड़ा सा बच कर रहें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना ना करें, कोई पैतृक मसला भी उठ सकता है। दोस्तों गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगी और हाँ, गतिविधियां आपकी काफ़ी बेहतर रहेंगी, ज़्यादातर कार्य समय पर पूरे हो जाएंगे, मेहनत के मुताबिक फ़ायदा मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों का काम भी थोड़ा सा बिगड़ सकता है, अधिकारियों का दबाव रहेगा तथा घर का वातावरण भी सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। दोस्तों प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय है और इसके साथ ही में दोस्तों दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से थोड़ा सा दूर रहें, मेडिटेशन अवश्य करें तथा आज सारे कार्य तेजी से आप कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी नहीं है, तब तक दोस्तों इसके बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ में ना करें और दोस्तों दिन भर प्रफुल्लता और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त और कुछ जानकारियां आप हासिल करने में समय व्यतीत कर सकते हैं। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेगी। कहीं फंसा हुआ पैसा भी आज वापस मिल सकता है तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहें। दोस्तों कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं, हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें तथा आप अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। इसी के साथ दोस्तों इन बातों का भी ज़रूर आपको ध्यान रखना है कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। दोस्तों इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी और अच्छे परिणाम भी आपको प्राप्त होंगे। दोस्तों स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान देंगी तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है, वरना आपकी मान हानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुँच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें, पहले अपने सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ऑन ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कला, ग्लैमर, ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े हुए व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में भी ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरा रह सकते हैं, तो थोड़ा संभल कर चलिएगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि हर प्रकार की जानकारी आप सभी को समय समय पर प्राप्त हो। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।